गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका सांसद सर। स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब फेसबुक लाइव कंप्यूटर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन का समय है और इस लॉकडाउन में कोविड-19 पैंडेमिक जो एक विकराल महामारी का रूप लेते जा रहा है, इस महामारी से बचने के लिए हम सभी छात्र छात्राओं तथा अभिभावक दोस्त भाई लोगों को एक इन्फॉर्मेशन जानकारी देना चाहता हूँ कि आप सभी मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आप ज्यादा से ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके से बच के रहें। दोस्तों, मेरा जो कंप्यूटर क्लासेस लाइव या यूट्यूब के माध्यम से आपके बीच जो डेली बेसिस पे आ रहा हूँ, तो आप सभी छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं फिर से आप सभी के बीच आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जो एमएस वर्ड के अंदर आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो इंसर्ट ऑप्शंस की टॉपिक है और इंसर्ट ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिसे हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और सीखने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करें कि एमएस वर्ड को ओपन कर ले। आप देख रहे हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एमएस वर्ड ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास होगी वो इंसर्ट ऑप्शंस की होगी, इंसर्ट ऑप्शंस की क्लास होगी। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा फिर से अनुरोध है कि अगर आपको मेरी वीडियो, आपकी मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। और मेरी वीडियो में किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें तथा वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखें जरूर। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले इंसर्ट ऑप्शंस में सबसे पहला जो ऑप्शंस होगी वो ऑप्शंस हम लोग कवर पेज की बात करते हैं। ये कवर पेज क्या है? सबसे पहले आप जान लीजिए कि किसी भी बुक या किसी भी डायरी या किसी भी फाइल्स के ऊपर जो पेज होती है वो कवर पेज कहलाती है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर पेज से हम बहुत डिफरेंट टाइप्स के कवर पेज को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, में आप कवर पेज में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कवर पेज यहाँ पे शो ऑफ हो जाएंगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक कवर पेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये कवर पेज आपको इंसर्ट हो जाएगी एडिटिंग एरिया में। अब इसमें क्या करना है कि ये जो फॉर्मेट आई आप इसको क्या कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से आप ईयर, जो ईयर में आप बनाना चाहते हैं तो टुडे आज, ठीक है। उसके बाद कंपनी का नाम, अगर आपकी जो कंपनी है SSTA, एजुकेशन, वार्षिक आप दे दीजिए। देने के बाद आप यहां पे टाइप द डॉक्यूमेंट्स टाइटल, जो डॉक्यूमेंट्स की टाइटल होगी वो दे सकते हैं। आंसर कंप्यूटर क्लासेस, साथ ही साथ यहाँ पे आप डेफिनेशंस भी दे सकते हैं, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आप इस पेज को सेट भी कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज जो है वो कवर पेज के अंदर आएगी, इंसर्ट ऑप्शंस के अंदर कवर पेज। तो यहाँ से हम लोग कवर पेज को रिमूव भी कर सकते हैं और दूसरी और भी डिफरेंट टाइप्स की कवर पेज होगी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कवर पेज आप बना सकते हैं हम लोग वर्ड के अंदर। अब दोस्तों चाहते हैं कि ये कवर पेज के बाद हमारा क्या हो, एक ब्लैंक पेज हो। तो ब्लैंक पेज में अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो आपकी पेज ब्लैंक हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि ब्लैंक पेज आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये पेज जो है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक शान सर कंप्यूटर क्लासेस टाइप कर रहे हैं। टाइप करने के बाद अब मुझे लगता है कि इस पेज का मेरा कोई काम नहीं है, तो हम इस पेज को क्या कर सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं। पेज ब्रेक करते हैं, आप करेंगे तो ऑटोमेटिक वो पेज ब्रेक हो जाएगी और नेक्स्ट पेज में हमारी कर्सर जो चले जाएगी। तो इस वीडियो में आपने देखा कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। अब दोस्तों हम चलते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमें आज का डेट एंड टाइम देना है और मुझे डेट एंड टाइम नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे डेट एंड टाइम। इंसर्ट ऑप्शंस के अंदर आप राइट साइड में चले जाएं, यहाँ पे डेट एंड टाइम का एक ऑप्शंस होगी। आप डेट एंड टाइम ऑप्शंस जैसे ही क्लिक करेंगे
तो डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स आपकी खुल जाएगी। यहाँ से आप कोई भी डेट एंड टाइम जो है चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद ओके करेंगे तो आपकी डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी आपकी पेज पे या आपकी एडिटिंग एरिया पे। ठीक है, तो आप इस तरह से डेट एंड टाइम भी आप दे सकते हैं। इसके बाद हम आज जो है सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की जो सिंबल्स होती है, ये सिंबल्स हम कहाँ से लाएंगे। बहुत सारे ऐसे सिंबल्स है जो कीबोर्ड में नहीं रहते, वो कीबोर्ड के माध्यम से नहीं आएंगे, तो ऐसे सिंबल्स को हम कहाँ से ला सकते हैं। तो इंसर्ट ऑप्शंस के राइट साइड में सिंबल्स ऑप्शन होगी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप सिंबल बॉक्स में क्लिक करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के सिंबल डायलॉग बॉक्स मिल जाएंगे और यहाँ से मोर सिंबल पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप मोर सिंबल में क्लिक करते हैं तो मोर सिंबल डायलॉग बॉक्स आपकी खुल जाएगी। थोड़ी लेट हो रही है, सिंबल डायलॉग बॉक्स खुल गई। यहां से आप किसी भी एक सिंबल्स को आप चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद इंसर्ट में आप क्लिक करेंगे और क्लोज करेंगे तो आपके सिंबल्स वो ऑटोमेटिकली एडिटिंग एरिया में आ जाएंगे। तो दोस्तों आज जो हम कुछ इंसर्ट ऑप्शंस के विषय में जाने हैं, और इसी तरह का वीडियो, इसी तरह का क्लास देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, साथ ही साथ वीडियो को देखते रहें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। खुश रहें आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिएगा। आपका सांसद, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।